हेलो दोस्तों, इस वक्त बहुत सारे बच्चे जिन सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं, मैं वो बहुत अच्छे से समझता हूं। मुझे पता है जैसे माइंड में ये ख्याल आता है कि हमारे मई के एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए क्योंकि सिचुएशंस ये ऐसी बन चुकी थी, लेकिन अब हमारे जो जून में एग्जाम होने जा रहे हैं, क्या वो पक्का हो पाएंगे? और कई बार साथ में ये भी आ जाता है कि अगर ना हो पाए तो फिर कब होंगे और हमारा क्या बनेगा। जब भी मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशन माइंड में आ जाती है तो हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। और हाँ, यहां पर आपको एक चीज और बताता हूं। अच्छा, मान लो मैं ही एक स्टूडेंट हूं और मैं सुबह उठकर आज पूरा ये सोचकर पढ़ने लगा था कि आज मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूंगा और मैं अपने प्रॉपरली जो मुझे नेक्स्ट डेट शीट मिली है मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा, और मैंने सुबह उठकर बुक उठाकर पढ़ना भी शुरू कर दिया अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, लेकिन मुझे कोई ऐसा मैसेज आ गया फ्रेंड का या कोई कॉल आ गई और उसने मेरा सारा माइंड डिस्टर्ब कर दिया। ना तो वो खुद पढ़ रहा था और उसने मेरा भी सारा माइंड सारा हिलाकर रख दिया, तो उसके बाद मेरी भी दिन की आउटपुट जीरो हो गई और मेरा एक दिन छोड़ो मेरे चार दिन खराब हो गए इसी सोच में। तो इस सिचुएशन का क्या हल किया जाए? तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश पूरी करूंगा जितनी मुझे नॉलेज है कि मैं आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालूं। और हाँ, आपको इतना भी कहूंगा, अच्छा शायद आपको लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा वीडियो एक दो दिन पहले भी डाला था, जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये एक चेंज करके वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि सिर्फ आपको ही ऐसी डिस्टर्बेंस वाले लोग शायद नहीं मिलते होंगे, बल्कि मैंने देखा कि वीडियो के नीचे, इवन चाहे वीडियो का पर्पस कोई और चल रहा है, यहां पर जैसे आज की वीडियो का मकसद है कैसे माइंड को इस डिस्ट्रैक्शन से रोका जाए। और कई बार कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट होते हैं, वो जस्ट कि जो भी वीडियो को देखेगा उसका माइंड डिस्टर्ब करो, वो नीचे ऐसी बात लिख देते हैं कि वीडियो देखने वाला भी एक बार वो सोचने लग जाता है कि यार ऐसा होता है। तो मैं आपको आज सिर्फ इसी पर्पस के लिए कंटेंट को रिप्लेस करके वो चीजें एड ऑन करके लाया हूं कि अगर कोई ऐसी बात सोच रहा होगा तो उसको इस चीज का आंसर साथ ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो सबसे पहली बात, जब भी ये चीज माइंड में आती है कि अब हम क्या करें, पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि जून का माइंड में आ जाता है कि क्या बनेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, जब भी आप वो दिन सोच लिया करो पढ़ते पढ़ते, जब भी माइंड में ये ख्याल आए कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, कि वो दिन फरवरी का जिस दिन हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे फॉर मई 2020 एग्जाम के लिए, उस दिन हमारा सारा टारगेट, सबकी आंखें लगी हुई थी कि मेरे एग्जाम मई में है, मैंने मई के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है, मैं मई के अकॉर्डिंगली अपनी सारी क्लासेस फिनिश कर लूं, मैं मई के अकॉर्डिंगली जो मुझे प्लान मिले हैं, शेड्यूल मिले हैं, मैं उनके अकॉर्डिंगली अपना पूरा हार्डवर्क रखूं। क्या 1% भी पता था, 1% क्या 0.1% लगा लो कि मेरे एग्जाम नहीं होंगे? मेरे सोचने या नहीं सोचने से, मेरी प्लानिंग करने से कि मैं तो जी मई के अकॉर्डिंगली प्लान कर रहा हूं, मैं तो पूरा रेडी हूं अभी लो, नहीं हुआ ना। हम सिर्फ अपनी तरफ से प्लानिंग्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जो होना है वो सबको पता है, ये उस परमात्मा को पता है कि क्या होना है या क्या नहीं होना है। अब जिस चीज पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये तो वो कुदरत जानती है कि उसने आगे के बारे में क्या सोचा हुआ है। तो जैसे ही ये माइंड में आता है कि अगर ना हुए तो मैं ऐसा ही ना पढ़ता रह जाऊं, तो एक बार जरा ये भी सोच लिया करो कि कब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर हो गए, जब माइंड में आता है ये, देखो माइंड तो नेगेटिव ही सोचता है ना, कि अगर ना हुए जैसे हालात चल रहे हैं, तो एक बार सोचो जरा, अगर हो गए, हालात ठीक करने को भगवान को शायद कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, अगर हो गए फिर क्या हम एग्जाम में बैठ पाएंगे? तो यही सोचकर मैं अभी आपको एक दो चीजें और आगे बताऊंगा, देखना। तो यही सोच लिया करो, अगर हमारे सोचने या नहीं सोचने से कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है, हम तो जून का टाइम हमें दिया गया है, हम उसके लिए अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क रखें। देखो हमारे तो हाथ में सिर्फ इतना ही है, हम कम से कम उसको तो पूरा करें, है ना, ये बात है ना। तो मैं आपको यहां पर ये भी बीच में बता देता हूं कि अगर यहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब करे, चाहे आपको कॉल के थ्रू
या आप ही ऐसी बात सोच रहे हो तो आप देखो कि कोई ऐसा मैसेज आया हुआ है कि भाई प्रोफेशनल सोचो, यहां पर कुछ ऐसा सोचो, ये क्या कौन सी बात हुई कि अगर सब कुछ ठीक हो गया एक सेकंड में। तो देखो मेरे को तो जो मैं मुझे लगता है वो तो यही है कि जब ये चीज ऐसी होनी थी तब नहीं पता था, तो जब ये ठीक कब हो जानी है वो भी कौन सा हमें पता है। तो इसलिए हमारा टारगेट है हम जून के लिए अपनी तरफ से पूरा दबा कर पढ़ेंगे। ये तो है सबसे पहला आपके लिए आंसर। ठीक है, अब मैं जाता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ। फिर भी माइंड में आ जाए कि इतना सोचने के बाद भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि वो लोग जीत रहे हैं जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, ना पढ़, कोई फायदा नहीं, ना पढ़, तो मैं क्या करूं। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप अपनी लाइफ में, ठीक है, हम लोग इंसान है, माइंड में आ जाता है कि किसी पर्पस के लिए किसी काम को करते हैं कि एग्जाम एक पर्पस है, मैंने पढ़ना है, पास होना है, मैं उसी के लिए पढ़ूंगा। तो कई बार लगता है कि बिना मकसद के मैं कैसे काम कर लूं। तो एक बार जरा आप अपने दूर क्या जाना, छत पर ही आ जाया करो और आप देखो जरा, नॉर्मली सभी ने पक्षियों को खाना डाला होता है, आप आसपास कहीं देखो या अपनी छत पर आपने डाला होता है, और वो खाना खाने के लिए आते हैं, पानी पीते हैं, और उसके बाद कभी हमने देखा कि वो वहां पर सो जाएं, कि वो भी देखें कि हर तरफ हर बंदा इस वक्त शांत बैठा है, वो अपनी पूरी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो हम भी जरा रेस्ट मार लें। नहीं, आप देखो वो आपको उड़ते फिरते इधर उधर, ध्यान से नोट करोगे तो किसी ना किसी ड्यूटी में लगे होते हैं, अपने बच्चे के लिए खाना लेके जा रहे हैं। अच्छा, दूर क्या जाना, आपने पौधों को पानी डाला, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि वो भी ये अगर सोच लें कि सभी तो आराम से बैठे हुए हैं, ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो हम भी जरा आज अगर 100% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होती है हम भी 20% ही करते हैं। नहीं, वो अपनी पूरी ऑक्सीजन उतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नॉर्मल उनकी ड्यूटी है। इसके अलावा और सोच लो, अगर मैं सुबह लेट उठा, मान लो मैं उठा 9 बजे, कि चलो मेरे ऊपर कौन सा कोई प्रेशर है, तो आपने उठकर देखा कि सूरज 9 बजे जहां पर होना चाहिए था वो वहीं पर है। ऐसा नहीं हुआ कि ये देख लिया जाए कि बहुत लोगों ने अपने आप को ये सोच लिया है कि अभी कोई टारगेट तो रहे नहीं, चलो काम का अभी रूटीन नहीं है तो थोड़ा लेट भी हो गए तो मैं भी लेट हो जाऊं। नहीं, कुदरत की हर चीज अपने टाइम पर चल रही है, अपनी हर ड्यूटी पूरी कर रही है। अगर पौधों ने आपसे पानी लिया तो वो अपनी पूरी आउटपुट दे रहे हैं। इसका मतलब हम भी देखो सुबह उठकर प्रॉपरली अपनी डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, इसका मतलब हमें भी अपनी आउटपुट को पूरा रखना चाहिए। अपने घर की एग्जांपल देता हूं, वैसे तो ये हर घर की एग्जांपल है, जब भी हमारे घर पे खाना बनता है, जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे मदर खाना बनाते हैं और मेरी वाइफ खाना बनाती है, तो हमेशा जब भी जिस घर में जो भी खाना बनाता है वो अपनी 100% आउटपुट उतने ही दिल से बनाता है। कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि अब कौन सा कोई गेस्ट आने हैं बाहर से, जो हम पूरा 100% दिल लगाकर खाना बनाए तो अभी 20% से ही चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, पूरे उतने दिल लगाकर खाना बनाया जाता है। तो इसलिए हर एक बंदा हर एक चीज अपनी 100% आउटपुट दे रहा है, सिर्फ हम ही क्यों रह जाएं सिर्फ ये सोचकर कि हमारा आने वाला जो टाइम है पता नहीं हमारे एग्जाम होने या नहीं होने हैं, हम अपनी 100% ना दें। तो इस एग्जाम्पल पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैंने देखा था पहले, उस दिन मैंने वीडियो में यही बोला था कि नॉर्मली हर घर में मदर, सिस्टर या वाइफ खाना बनाती है, तो देखो किस चीज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट होगी, देखो पर्पस चेंज, पर्पस वीडियो को क्या चल रहा है कि हमें अपना 100% देना चाहिए, कि डिस्कशन ये स्टार्ट कर लोगे अगर कि ये कहां पर लिखा है कि सिर्फ मदर, सिस्टर या वाइफ ही खाना बनाएगी, मेल क्यों नहीं बना सकते। अब मैं हैरान रह गया ये देखकर, यार मेरी वीडियो का पर्पस क्या है, आप कौन सी बात को लेकर डिस्कस कर रहे हो। मैं अगर अपने घर में, ये थोड़ी होता है कि मैं कभी कुछ बनाता ही नहीं, क्यों, मैं जब दिल करता है मैं किचन में, ये तो देखो हर घर का सिस्टम है यार कि हर बंदे ने अपने घर के कामों को डिवाइड किया हुआ है। ये कौन से जमाने की बातें हो गई हैं कि ये काम मेल मेंबर ही कर सकता है, ये अब ये वो चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब तो इस टाइम पर सबने मिलकर अपने अपने काम को डिवाइड किया होता है कि आज अगर कोई बंदा घर का ये काम कर रहा है तो बाहर वाला ये काम कर लेगा, अगर बाहर वाला ये कर रहा है तो, अब तो वो चीजें है ही नहीं है जिन चीजों को लेकर आप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जो पर्पस है वीडियो का उससे रिलेटेड बात किया करो, बिना पर्पस के अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि डिस्टरबेंस क्रिएट की जाए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मेरी वीडियो का जो मकसद है मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से
अब हर बंदा अपने काम में पूरी 100% आउटपुट देनी शुरू कर देगा। और मुझे इतना भी उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरे तक जो नॉलेज थी मैंने वो आप तक पहुंचा दी है। बाकी अब आपके पास पॉजिटिव चीजें हों जिसको सोचकर हम पूरा 100% काम करें, तो आप भी जरूर मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।